अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारे यूट्यूब चैनल जेके बोस उर्दू क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8th का सबक नंबर 1 हम्द, जो कि इस्माइल मीरठी ने लिखा है। अपना सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपडेट करें तो आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन कबलज़ वक्त मौसूल हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा सबक। हम्द क्लास 8th उर्दू का जो है पहला सबक है। हम्द उर्दू अदब की एक ऐसी सन्फ है जिसकी अगर हम डिफिनेशन पे जाएं तो हम्द एक ऐसी नज़म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ़ की जाए। हम्दो सुना हो तेरी कौनो मकान वाले, ए रब्बे हर दुआलम दोनों जहान वाले, बिन मांगे देने वाले अरशो कुरान वाले, गिरते हैं तेरे दर पर सब आन बान वाले, बेशक रहीम है तू रहमत निशान वाले। प्यारे बच्चों, यहाँ तक इस हम्द का ये पहला बंद है। उर्दू सनफ में ऐसी नज़म जिसके एक बंद में 5 अशार हों, 5 मिसरे हों, ऐसी नज़म को मुहमस कहा जाता है, जिसमें जो पहली 4 लाइंस होती हैं वो हम काफिया होती हैं। हम काफिया से मुराद जैसे हमारी पहली लाइन का जो आखिरी वर्ड है, जो आखिरी लफ्ज़ है, वो भी वाले है, और दूसरी लाइन का वर्ड आप जैसा कि देख पा रहे होंगे वो भी वाले है, और ये चारों अल्फाज जो हैं लगातार एक ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। और इसकी जो पांचवी लाइन होती है या जो पांचवा लाइन होगी वो हम काफिया हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, पहले 4 मिसरों के साथ। लेकिन जो अगर 4 या 5 बंदों पे मुश्तमिल कोई नज़म है तो ये ज़रूरी है कि उसका 5वां इशार और दूसरे बंद का 5वां इशार आपस में हम काफिया हों। अब इस जो बंद है इसको हम तफसीली तौर पे इसके मीनिंग्स के साथ जानने की कोशिश करेंगे। हम्द व सना सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए ही की जाती है। हम्द व सना का मतलब अल्लाह ताला की तारीफ, उसी से उसी की हम्द और उसी की सना दुनिया में चाहे चरिंद हो या परिंद हो, सभी लोग या जो भी दुनिया में चीज़ें हैं वो सब अल्लाह तबारक व ताला की तस्बीह बयान करते हैं और अल्लाह ताला की ही इबादत करते हैं। कोनो मकान का मतलब यहाँ से है ज़मीन व आसमान, तो यहाँ अल्लाह ताला को ज़मीन व आसमान का मालिक बताया गया है। और शायर फरमाते हैं कि हम्द व सना सिर्फ उस के लिए है जो ज़मीन व आसमान का मालिक है। ए रब हर दो आलम दोनों जहान वाले, ए रब हर दो आलम, हर दो आलम दो आलमों की बात की है, आखरत और दुनिया, दोनों जहान वाले, तो दोनों जहान का रखवाला और दोनों जहान का मालिक जो है अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात है। और ये जो नज़म है इसमें तारीफ़ जो है वो अल्लाह तबारक व ताला की हो रही है कि अल्लाह ताला दोनों जहान के मालिक और खालिक है, खालिक पैदा करने वाले को कहा जाता है। बिन मांगे देने वाले, यानी कि अल्लाह तबारक व ताला बिन मांगे भी बहुत सारे लोगों को अता करते हैं, जैसे कि बाकी मज़ाहिब के लोग हैं,
अगर उनकी हम बात करें तो अल्लाह तबारक ताला को हालांकि मानते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उनको अता करता है। और बहुत सारे हम मुसलमान लोग भी ऐसे हैं जो बग़ैर मांगे रिज़्क हमें मिल रहा है, ये अल्लाह ताला की नवाजिश है हम लोगों पर। बिन मांगे देने वाले अरशो कुरान वाले, अरश आसमान को कहा जाता है, कुरान, कुरान एक ऐसा नुस्खा, एक कीमिया अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया पे नाजिल किया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया, जो पूरी दुनिया के लिए एक नुस्खा, एक कीमिया है और एक हिदायत की राह है। गिरते हैं तेरे दर पर सब आन बान वाले, हर कोई, चाहे कोई बड़ा हो या कोई छोटा हो या आन बान शान शौकत व इज्जत वाला हो, हर एक जो आदमी है दुनिया का वो अल्लाह ताला के ही दर पर आता है, अल्लाह तबारक व ताला से ही मदद मांगता है और अल्लाह तबारक व ताला के ही दरबार में हाजिर होकर अपनी मजबूरियां, अपनी परेशानियां अल्लाह तबारक व ताला को सुनाता है। बेशक रहीम है तू, रहमत निशान वाले। अल्लाह तबारक व ताला को इस बंद के जो आखिरी शार है उसमें अल्लाह तबारक व ताला को रहीम बताया गया है, यानी कि रहम करने वाला है। और अल्लाह तबारक व ताला एक रहीम की सूरत में पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन अल्लाह तबारक ताला के लिए वाहिदुल कहार भी कहा गया है, कुरान पाक में लफ्ज़ आया है। और इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला गज़बनाक भी हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अल्लाह तबारक व ताला के दिए हुए नक्शे कदम पे ना चले, तो उन लोगों के लिए अल्लाह तबारक व ताला बेशक अजाब नाजिल करते हैं, और जैसा पिछली कौमों पे भी हुआ है तो हमारे पास वो भी मिसालें हैं। तो यहाँ ये बंद जो है, हमारा पहला बंद जो है 5 अशहार पे है, तो ये मुकम्मल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी नज़म का जो है दूसरा अशहार पढ़ते हैं। योम जज़ा का मालिक खालिक हमारा तू है। योम जज़ा यानी कि कयामत का दिन। कयामत का दिन बहुत ही एक मुसलमानों का एक अकीदा है कि कयामत का दिन, कयामत के दिन में सभी जो लोग जो दुनिया पे आए हैं और ये सभी लोग अल्लाह के हुजूर हाजिर किए जाएंगे और उनको उनके जो करतूत और जो उन्होंने कर्म दुनिया पे किए होंगे उनका हिसाब व किताब उनसे लिया जाएगा। उस दिन का जो मालिक है वो भी अल्लाह तबारक व ताला को बताया गया है। खालिक हमारा तू है, दुनिया की हर चीज़ पैदा करने वाला जो हमारा रब है और वही अल्लाह तबारक व ताला है, और उस दिन का भी मालिक और खालिक हर एक चीज़ का, चाहे वो कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर हो, सारी चीज़ों को अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा किया है। सजदे हैं तुझको करते, तेरी ही जुस्तजू है। अल्लाह तबारक व ताला को के ही हुजूर सारे लोग सजदा अदा करते हैं और उसी की तारीफ, उसी की जुस्तजू करते हैं। हर कोई शख्स जो है वो अल्लाह तबारक व ताला से ही इमदाद चाहता है। इमदाद तुझ से चाहे, सबका सहारा तू है। कोई यतीम, कोई बेसहारा है, कोई गरीब, कोई लाचार, कोई फकीर है, तो अल्लाह तबारक व ताला हर एक आदमी को रिज़्क अदा करते हैं, हर एक आदमी का सहारा बनते हैं उसकी मुश्किल में, उसकी आसानियों में। तो इसलिए हर कोई आदमी जो है अल्लाह तबारक व ताला से ही इमदाद चाहता है। तेरी ही बारगाह में बस एक आरजू, आरजू तमन्ना को कहा जाता है। जब हम किसी चीज़ की हाथ उठा के किसी चीज़ के लिए आरजू करते हैं, मांगने को भी मांगना भी एक मौजून लफ्ज़ होगा आरजू के लिए, कि हम जब किसी के सामने गिड़गिड़ाएं या आरजू करें। तेरी ही बारगाह में बस एक आरजू है, रास्ता दिखा दे सीधा ओ आसमान वाले। ठीक है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को कहा जाता है कि दुनिया में भी और आसमान पे, उन एक आसमान पे तो मौजूद हैं ही वो, लेकिन दुनिया की हर शे में अल्लाह तबारक व तआला का नूर झलकता है। और उसी से ये जो इस्माइल मीरठी का ये जो ये हमद लिखा हुआ है, इसमें जो ये इस बंद का आखिरी अशआर है, इसमें भी यही है कि हमें अल्लाह तबारक व ताला सीधा रास्ता दिखाए और उन लोगों का रास्ता ना दिखाए जो गर्क हुए दुनिया में, जो दुनिया की लज्जतों को पा गए और दुनिया में उनका जो आइडियोलॉजी थी वो कुछ और थी, हालांकि जो आइडियोलॉजी वो कुरान में डिफ़ाइन की गई है मुस्लिम्स के लिए वो नहीं थी। उन्होंने कोई और रास्ता नापा और अल्लाह का दिया हुआ रास्ता छोड़ दिया, तो उन लोगों के लिए अल्लाह ताला गज़बनाक हुए।
तो अल्लाह ताला से दुआ है यही कि रास्ता दिखा दे सीधा ओ आसमान वाले। यहाँ हमारी इस जो नज़म है इसका दूसरा जो बंद है वो मुकम्मल होता है। हालांकि अगर आप देख रहे हो इसमें भी हम काफ़ी अल्फाज जो हैं जैसे योम जज़ा का मालिक खालिक हमारा तू है, और आप जो पांचवा शार अब इसका मैं पढ़ूंगा तो आप दिखाओगे रास्ता दिखा दे सीधा ओ आसमान वाले। फिर से मैं वापस पहले बंद पे जाता हूँ, अगर उसका आप आखिरी निशान देखोगे तो आखिरी शार का भी आखिरी वर्ड जो था पांचवें शार का वो वाले था। हालांकि जो दूसरा बंद है इसमें वो जस्तुजू वाला ये जो ये है का पैटर्न है जो हम काफ़ी अल्फाज हैं वो पहले वाले मिसरे से मैच नहीं हो रहे हैं, हालांकि जो पांचवी लाइन है दोनों मिसरों की वो हम काफिया है। तो अब चलते हैं हम इस नज़म के तीसरे मिसरे पर। वो रास्ता दिखा तू परवरदिगार आलम, अल्लाह तबारक व ताला से फिर से दुआ है कि वो रास्ता दिखा तू परवरदिगार आलम जिस पर चला किए हैं परहेजगार। परहेजगार लोग कौन से होते हैं? जो अल्लाह तबारक व ताला का दिखाया हुआ रास्ता जो है उस पे चले और अल्लाह तबारक व ताला का बताया गया जो अमल है ज़िंदगी जीने का, कैसा सलूक करना है लोगों के साथ, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, उस पैटर्न पे उस तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं तो उन लोगों को परहेजगार लोग कहा जाता है। जिस पर चला किए हैं परहेजगार आलम, ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो लोग एक जो इस्लामिक मैनिफेस्टो है उसको फॉलो करके चलते हैं उन लोगों को हम परहेजगार आलम कहलाएंगे कहेंगे। नियामत थी जिनको मिलती तुझसे निगारे आलम और नाम जिनका अब तक है यादगारे आलम। अब देखो अल्लाह तबारक व ताला की नज़र में ऊंचे मुकाम रखने वाले वही लोग हैं जो अल्लाह तबारक व ताला की याद में रहते हैं और अल्लाह तबारक व ताला का दिया हुआ जो रास्ता है जो तरीका है उसको फॉलो करते हैं, और वही लोग अल्लाह तबारक व ताला की नज़र में दुनिया और आखिरत में कामयाब हैं, और उन्हीं लोगों का नाम आज तक भी लोगों के ज़बानों पे है। चाहे हम किसी बड़े आलिम की बात करें, हालांकि वो बहुत पहले गुजर चुके हों, लेकिन आज भी हम जब भी उनकी बात करते हैं तो हम उनको याद करते हैं। ये अल्लाह तबारक व ताला की एक नियामत है उनके लिए कि उन्होंने अल्लाह तबारक व ताला के तौर तरीक़ों पे चल के अपनी ज़िंदगी गुजारी, और हम जैसे नाअहल लोग जो हैं वो उनका नाम अभी तक ले रहे हैं। तो ये अल्लाह तबारक व ताला की उन लोगों के लिए नियामत है जो अल्लाह तबारक व ताला को याद करते हैं। तेरी नज़र में ठहरे जो इज़्ज़त व शान वाले, और अल्लाह तबारक व ताला की नज़र में कौन से लोग इज़्ज़त व शान वाले हैं? वही लोग यानी कि जो अल्लाह तबारक व ताला के दिखाए हुए रास्ते पे चलें, कुरान और सुन्नत को फॉलो करके चलें। मातूब हैं जो तेरे ए खालिक यगाना, गुमराह हुए जो तुझसे ए साहिबे ज़माना। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ कि इस लाइन की भी जो पांचवी लाइन थी जो बंद हमने कंप्लीट करा उसकी भी पांचवी लाइन में वाले है। वाले से मतलब फिर से मुराद वही है, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ फिर से जो तीन फिफ्थ लाइन है उसमें जो काफ़िया है वो लगातार, हालांकि इसमें आलम 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 हर जगह यूज़ हो रहा था तो काफ़िया जो था फिफ्थ लाइन के साथ काफ़िया नहीं है, लेकिन अगर हर एक बंद की हम पांचवी लाइन को देखें तो वो हम काफ़िया है। मातूब हैं जो तेरे ए खाल के ये गाना, गुमराह हुए जो तुझसे ए साहिबे ज़माना। मातूब यानी कि जिस पे इताब किया जाए, जो तेरे हैं ए खाल के ये गाना। खाल के ये गाना एक वाहिद अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया गया यानी कि अकेला पैदा करने वाला। गुमराह हुए जो तुझसे ए साहिबे ज़माना यानी कि गुमराह जो लोग हुए हैं अल्लाह तबारक ताला की बताई हुई राह से, ए साहिबे ज़माना हम आजज़ू को या रब, अपने आप को आजिज़ बताता है क्योंकि जब भी अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगी जाती है तो बड़ी आजिज़ी और इनकसारी से मांगी जाती है, और अल्लाह तबारक व ताला के लिए ये तो कॉमन सेंस सी बात है ना कि अगर हम अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं तो अकड़ के खड़ा होना जायज़ नहीं है, क्योंकि तकब्बर करना भी जायज़ नहीं है, और हम किसी से कुछ मांग रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है ना कि हम अकड़ के खड़े होंगे, बड़ी तमीज़ के साथ और आजिज़ाना तरीके से अल्लाह तबारक व ताला के सामने खड़ा होना है। हम आजिज़ों को या रब, यहाँ शायर फिर से अपने आप को आजिज़ बताते हुए कह रहा है या रब अल्लाह तबारक व ताला से कि उनकी न राह चलाना, जो मतलब कौन से लोग थे गुमराह हुए हैं, ठीक है, जो गुमराह हो गए और उनका हकीकी जो दुनिया की लज्जतों में पड़
पड़ गए और उनका जो आखिरत है बड़ी ही दर्दनाक आखिरत गुजरने वाली है। ये फिर से अल्लाह तबारक तआला से दुआ कर रहा है कि हम आजिज़ों को या रब उनकी ना राह चलाना, कर रहम इतना अब तू, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला को इसी नज़म में रहीम बताया गया है, रहम करने वाला। तो अल्लाह तबारक तआला से यही है दुआ है कि कर रहम इतना अब तू ए ज़ोरे नातवाना। नातवान एक ऐसे आदमी के लिए या एक ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके हाथ पांव ना हो, या जो नातवान हो, मौजूर हो, जो हैंडीकैप्ड हो। और उस ऐसे इंसान के लिए, क्योंकि ऐसे इंसान की भी ताकत तो कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। हालांकि उसके पास हाथ नहीं है रोज़ी रोटी कमाने के लिए, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उसका ज़ोर है, उसका ताकत है, उसको खाना खिला रहा है, उसको दुनिया के साथ चला रहा है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला जो है हर एक शय की ताकत है, हर एक शय में बसी हुई ताकत है। मकबूल होता है कबूल होना, ये दुआ हो ए आसमान वाले। फिर से अल्लाह तबारक व तआला से कह रहा है कि ये जो सारी दुआ हमने की है तो ये जो है कबूल हो जाए। तो हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला के हजूर हमारी तरफ से भी ये दुआ कबूल हो। तो यहाँ हमारा जो पहला सबक है वो ख़त्म होता है। थोड़ा सा हम इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं, और देन वी विल सी कि बाकी इसमें क्या रहेगा और इसके क्वेश्चंस आंसर्स का किस तरह से, वो क्वेश्चंस आंसर के लिए आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा। लफ्ज़ जो कोनो मकान है, इसके जो मीनिंग्स हैं ज़मीन व आसमान के लिए इस्तेमाल किया गया है इस लेसन में, बिन मांगे यानी कि मांगने के बगैर, एक बहुत आसान सा लफ्ज़ है। आन बान होता है शान शौकत वाले लोग, इज्जत वाले लोग, या हम यहाँ पे इनसे मुराद थे वो लोग जो अल्लाह तबारक व तआला की शान के लिए ये आन बान वाले जो हूँ, शान शौकत वाले यानी कि अमीर लोग, बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हों, उन लोगों के लिए ये शान आन बान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। रहीम रहम करने वाला अल्लाह तबारक व तआला के लिए इस्तेमाल हुआ है। योम जजा का मतलब है कयामत का दिन। तो कयामत का दिन जो है, हम सबको इस पर ईमान है और इस पे यकीन है। उसके बाद है मातू, वो जिस पे इताब किया जाए, जिस पे अहद किया जाए। सो शायर खुदा से दुआ मांगता है, शायर खुदा से क्या मांगता है, जो पहला सवाल है, ये एक आपको पीडीएफ की सूरत में मिल जाएगा। और दूसरा ये हम जो है एक सवाल का एक प्रॉपर पैटर्न, क्वेश्चन विद आंसर्स, नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। खुदा से क्या मांगता है, सिंपल अगर मीनिंग देखें तो शायर खुदा से दुआ मांगता है। खुदा की नज़र में कौन से लोग शान व शौकत वाले हैं? तो खुदा की नज़र में परहेजगार लोग और दीनदार लोग शान व शौकत वाले हैं। शायर किससे मदद मांगता है? शायर अल्लाह तबारक व ताला से मदद मांगता है। नज़म के आखिरी मिसरे में शायर ने क्या दुआ मांगी है? नज़म के अगर एक बार हम आखिरी मिसरे पे जाएं तो वहाँ पे हमने यही देखा कि जो आखिरी मिसरा है और इसमें यही दुआ है कि जो अब हमने ये सारी दुआ की है वो कबूल हो जाए, और अल्लाह तबारक व ताला हमको उन लोगों की राह न चलाए जिन पे अपना अल्लाह तबारक व ताला ने अजाब नाजिल किया या जिनको हलाक किया, और अच्छे और परहेजगार लोगों के रास्ते पे हमको अल्लाह तबारक व ताला चलाए। तो ये हमारे एक वर्बल है, गिरते हैं तेरी दर पर सब आन बान वाले, खाली जगह हैं, इमदाद तुझ से चाहें, सबका सहारा तू है, और डैश डैश जिनका अब तक है याद गारे आलम। अब जाके ये और नाम जिसका जिनका अब तक है यादगारे आलम, यानी कि जिनका नाम अभी तक यादगारे आलम आएगा, और नाम जिनका, यानी कि उन लोगों का जो दुनिया में अच्छा कर गए। हम आइजों को या रब उनकी ना राह चलाना, ये तीसरे मिसरे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था। तो खैर यहाँ पे जो ये जो है हमारा पहला उर्दू का क्लास 8 का लेसन कंप्लीट होता है। उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को ये लेसन पसंद आएगा, और इंशाल्लाह रहमान इसी सबक के जो सवाल और जवाबात पे हम एक और दूसरा वीडियो बनाएंगे, और इंशाल्लाह रहमान वो भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। उम्मीद करते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़ुन नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।